The Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद तथा उत्तर पूर्वी जिले में सांप्रदायिक दंगे के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन अभी भी फरार चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की कई टीमें, क्राइम ब्रांच की कई टीमें उनकी लगातार तलाश कर रही है। चांदबाग इलाके से आम आदमी पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन के ऊपर आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या करने का आरोप है। चांदबाग इलाके में हुए रक्तपात में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो उसका केंद्र रहा वह रहा ताहिर हुसैन की 5 मंजिला बिल्डिंग, जो उसका फैक्ट्री भी है और वहीं पे उसका आवास भी है। यह सारे वीडियो में देखा जा सकता है कि वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग उसके छतों पे मौजूद हैं। वहाँ पे एक टेम्परेरी रॉकेट लॉन्चर भी बनाया गया था और विध्वंस के सारे हथियार उसके छत के ऊपर मौजूद थे, जहाँ पे बोरियों में भर करके पत्थर, बोतलों में पेट्रोल बम सहित विध्वंस के सारे सामान वहाँ पे पड़े हुए थे। और यह भी वीडियो में आ चुका है कि उसके छत के ऊपर से कैसे चारों तरफ पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे जो कवर दे रहे थे, और नीचे के जो लोग थे वो हिंदुओं के ऊपर टूट पड़े थे। यानी उस एरिया में जितने भी कत्लेआम हुए उस कत्लेआम का जो मुख्य मास्टरमाइंड था वह था ताहिर हुसैन। शुरू में आम आदमी पार्टी ने उसका बचाव किया, उसने फर्जी वीडियो भी डलवाई, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी ने उसे पार्टी से निलंबित कर दिया। अंकित शर्मा के परिवार का कहना है कि ताहिर के लड़कों ने, उसके फैक्ट्री में काम करने वाले लड़कों ने ही अंकित शर्मा और उसके साथ 2-3 और लड़कों को घसीट करके उसकी बिल्डिंग में ले गए तथा वहाँ पे उसकी निर्मम हत्या करने के बाद से उसके, अंकित शर्मा का बॉडी का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके ऊपर चाकू के 400 निशान थे। यानी उसकी निर्मम हत्या करने के बाद से उसके बगल में जो नाला है, जो ड्रेन है, उस ड्रेन में उसकी लाश को फेंक दिया। इसके अलावा उसके घर से एक लड़की के कपड़े भी बरामद हुए और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसकी बलात्कार के बाद से उसकी हत्या कर दी गई है। बाकी सभी चैनलों ने, जब सारे मीडिया हाउसेज ने उसके छत से लेकर के उसके पूरे बिल्डिंग में दिखाया कि तबाही के और आग जलाने के, पूरी दिल्ली को जलाने के, कैसे तबाही का पूरा भंडार, यानी उसकी फैक्ट्री कैसे, उसकी फैक्ट्री एक तबाही की फैक्ट्री बनी हुई थी, उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने उस पूरे एरिया को, बिल्डिंग को सील कर दिया तथा फॉरेंसिक टीम पहुंच करके उसकी फॉरेंसिक जांच भी की और सैंपल भी इकट्ठा किए। बाद उसके बाद से तब से ही ताहिर हुसैन लापता है और भागा फिर रहा है। पुलिस अभी भी उसको तलाश नहीं कर पा रही है। उधर एक अन्य मामले में आजम खां पूरे परिवार सहित जेल पहुंच गए। आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक तथा रामपुर के सबसे ताकतवर, यानी यूँ कहें कि समाजवादी पार्टी में सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माने जाने वाले आजम खां बुधवार को जेल पहुंच गए। आजम खां के खिलाफ पहले ही 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें जमीन हथियाने से लेकर के बकरी चोरी, भैंस चोरी तक के मुकदमे दर्ज हैं। उनके ऊपर जौहर खां लाइब्रेरी को लेकर के जबरन जमीन को हथियाने के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी में चोरी के किताब रखने, भैंस की चोरी और बकरी चोरी तक के मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा उनके ऊपर उनके बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का भी मुकदमा दर्ज है। यूपी पुलिस पहले ही उन्हें लैंड माफिया घोषित कर चुकी थी। बुधवार को अपने ऊपर चल रहे कई मुकदमों के सिलसिले में आजम खां, उनकी पत्नी ताजीम फातिमा तथा बेटा अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया। उन्हें कुछ मुकदमों में तो जमानत मिल गई, कुछ में वो पहले से अग्रिम जमानत ले चुके थे,
लेकिन बहुत सारे मुकदमे में उनको 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनके ऊपर उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम का फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है। बाद में तीनों को रामपुर से सीतापुर की जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या यानी कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा न हो पाए। आजम खां अपनी बदजुबानी और बाहुबल के लिए जाने जाते रहे हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जिस तरह इनको घुटने पर लाया गया उसका उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। इसकी तुलना राजा भैया से की जा सकती है, जब मायावती ने राजा भैया में उनके पिता को जेल में डाला था।